मुन्ने की अम्मा, अरे ओ मुन्ने की अम्मा, अरे धंधे पे जाने का टाइम हो गया है और हमारा टिफिन तैयार नहीं है, हमारे वाटर बॉक्स कहाँ है, जल्दी लाओ, कहाँ हो तुम मुन्ने की अम्मा, कहाँ हो? क्यों गला फाड़ रहे हो? टिफिन बॉक्स तैयार है आपका। ओफो, ये बताओ हमारा गधा कहाँ है? आपका तो पता नहीं, मेरा गधा मेरे सामने खड़ा है। एक तो तुम कॉमेडी सर्कस देख देख के पंच बहुत मारने लगी हो। मेरी गधा कहाँ है? गधा? अरे आप ही हो, काम से आकर भूल जाते हो कहाँ रखते हो, बेड के नीचे पड़ा है। ओहो, तो अब हमारा भैंसा कहाँ है? उसे कहा था कि हमें प्राण हरने जाना है, सुबह 9 बजे तैयार रहना। हाँ आता होगा, मुन्ने को स्कूल लेने गया है, रुको। मैंने प्राण हरने जाना है, 10 बजे का टाइम दिया है, क्लाइंट के फोन पे फोन आ रहे हैं, मरने वाला तैयार बैठा है और हमें लेट हो रहा है। आप जा रहे हैं? हाँ। कौन से एरिया में जा रहे हैं? हमारी फ्लाइट मुंबई उतरेगी। मुंबई? मुझे भी जाना है, घूमना है। अरे मुंबई घूमने की नहीं, टेंशन की जगह है। पिछली बार एक के प्राण हरने के लिए हमने जाना था तो हमारे यमदूतों ने बताया कि ये लोकल ट्रेन में 9:40 वाली में मिलेगा। हम टिकट खिड़की पर खड़े हो गए और वो बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गया। अरे तो आप भी उसके पीछे चढ़ जाते ना? इतनी भीड़ थी, सारे चढ़ गए, मैं ही नहीं चढ़ पाया। और जब मैं उसे पकड़ने के लिए भैंसे में चढ़ के उठाने गया, मुझसे पहले रेलवे पुलिस ने उठा लिया। मैं थाने गया जाके, सबसे पहले फिर मैंने हवलदार को उठाया। अरे आपको तो उस आदमी को उठाना था, हवलदार को क्यों उठा लिया? ओ वो उठाया नहीं, सोया था, जगाया। उठते उसने मुझे 4 डंडे मारे, कहता तुझे अंदर डाल दूंगा। मैं बाहर आया, मेरा भैंसा टोइंग वाले टो करके ले गए। चलूंगी आपके साथ। पर तुम जाओगी कैसे? अरे आप कैसे जाएंगे? मैं भैंसे पे ऐसे बैठ के। तो मैं आपके पीछे ऐसे बैठ के बीच में मुन्ने को बिठा लेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। मुंबई की ट्रैफिक में बहुत सख्त रूल है, ट्रिपल सवारी अलाउड नहीं है। और ये देखो, हमने मुकुट का हेलमेट बना लिया, वरना पौती काट देते हैं। अरे डार्लिंग, हम 10 रुपए दे देंगे। अब मैं चलूंगी आपके साथ, मुझे ले चलो, मुझे शॉपिंग करनी है। नहीं 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 नहीं, मेरी टाइट है पॉकेट, कल ही मुझे भैंसे को इंडिकेटर लगवाने पड़े, उसका PUC करवाना पड़े। बहुत खर्चा हो गया। कोई बात नहीं है, मैं शॉपिंग भी कर लूंगी, कोई बिल लाके देगा तो कह दूंगी मैं मिसेज यमराज हूँ, ऊपर आ जाओ पेमेंट चाहिए तो। वाह जी वाह, ऊपर लोक में रहते हुए तुझे धरती की सारी करप्शन आ गई। मुझे लगता है केबल का कनेक्शन कटवाना पड़ेगा, नहीं तो तुम मेरी नाक कटवाओगी। अपनी नाक की पड़ी है, मेरे नाक की चिंता नहीं है। सबसे पहले ना तो आप अपना ये प्राण हरने वाला धंधा बंद करो, हमारे मुन्ने पर कितना बुरा असर हो रहा है। कल जाके पड़ोस के गुप्ता जी के प्राण हर लाया। अरे गुप्ता जी के प्राण हर लाया। चित्रगुप्त को कितना मस्का मारना पड़ा, तब जाके गुप्ता जी के प्राण लौटाए उन्होंने। आपकी वजह से कोई हमें अपने घर के फंक्शन में नहीं बुलाता। कौन है जो नहीं बुलाता? मैं अभी उसके प्राण हर लाऊंगा। इसीलिए कोई नहीं बुलाता। और ना कोई हमारे घर आता है। हमारे घर कोई क्यों नहीं आता? लो, अब यमराज के घर कौन खुशी खुशी जाएगा? ओहो, टेंशन टेंशन टेंशन, यहाँ तुम टेंशन देती हो, रास्ते में जाता हूँ हवाई जहाज टेंशन देते हैं, और नीचे भैंसा टेंशन देता है। भैंसा? हाँ। जब भी मैं मुंबई जाता हूँ, मुझे कहता है पब लेके चलो, डिस्को लेके चलो, और कहीं नहीं तो कम से कम एक रात तबेले में ही गुजार लेने दो। तो कहेगा नहीं? उसकी कोई हसरतें नहीं है क्या? मैं सारी दुनिया के प्राण हर के लाता हूँ और मेरे प्राणों की प्यासी मेरी बगल में रहती है। इतनी बुरी लगती हूँ मैं तो, अभी इसी वक्त मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या हुआ जी? खुशी के मारे हार्ट अटैक आ गया। ये 28वीं बार आया है, बस आप ही नहीं जाते उसके साथ। तो तू भी तो नहीं जाती, तू जाएगी तो मेरे प्राण निकलेंगे। आपके प्राण निकालने की हिम्मत किसमें है? ये ठेका तो आपने ही लेके रखा है ना, आजकल होलसेल के भाव में प्राण उठा के आ रहे हो, घर में प्राण रखने की जगह नहीं है। तो हम क्या करें, नीचे आतंकवाद इतना बढ़ गया है, रोज बम फोड़ रहे हैं। अरे तो जो बम फोड़ रहा है उसे ले आओ ना। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी भी कोई सीमा है,
और आतंकवाद सारा सीमा पार से आता है।